जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन एंड होप दैट यू विल आल्सो फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट ऑफ बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो वी विल आल्सो सी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन दिस टेस्ट। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी नीड टू फोकस ऑन दिस पोर्शन विच विल कम इन योर टेस्ट। वन ऑफ दम इज़ वर्बल एबिलिटी, सेकेंड वन इज़ क्वान्टिटेटिव रीजनिंग एज वेल एन एनालिटिकल रीजनिंग, एंड फिजिक्स एंड मैथ विल ऑल्सो कम इन योर टेस्ट अनफॉर्चुनेटली। So, before going on any further discussion, we need to understand the definition of first portion, which is verbal ability. Verbal ability होती क्या चीज़ है? ये होती है आपके communication skill, ठीक है? तो definition ये है, the capability of a person in expressing ideas using words in a clearly understandable manner. आपने भागना नहीं है, आपको notes भी मिल जाएंगे, you just need to focus on video. अच्छा जी, मैंने क्या बोला कि ये वर्बल एबिलिटी जो है इसका कनेक्शन लैंग्वेज से है, कम्युनिकेशन स्किल से है। हमने डेफिनेशन से भी देखा कि इसका मतलब क्या था, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडिया यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल मैनर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको वर्बल एबिलिटी की समझ आ जाएगी। अगर एक शख्स अपना मैसेज 15 मिनट के अंदर डिलीवर कर रहा है और उसकी निस्बत दूसरा शख्स अपना मैसेज 5 मिनट के अंदर डिलीवर कर लेता है, सो यू कैन ईजली से कि जो दूसरा शख्स है उसकी वर्बल एबिलिटी बेहतर है बनिस्बत पहले शख्स के। सो आपको उम्मीद है समझ लग गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि वर्बल एबिलिटी में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। वर्बल एबिलिटी का जब ताल्लुक ही लैंग्वेज से है तो इसमें आने भी इंग्लिश के ही MCQs हैं। सो दैट वर्बल एबिलिटी में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ स्पीच, इस काइंड के आपको, दैट्स ऑल अबाउट योर वर्बल एबिलिटी, ये MCQs आएंगे। तो आपको इन नोट्स में भी इजीली मिल जाएंगे बिल्कुल एक तरतीब के साथ। बल्कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, उन अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उनका भी डाटा फाइल में हमने ऐड किया। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट रिपीटेड MCQs विल आल्सो यू विल सी इन दी फाइल। सो द सेकेंड वन पोर्शन विच इज़ क्वान्टिटेटिव रीजनिंग। सो हमें इसकी भी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्वान्टिटेटिव रीजनिंग असल में है क्या। The ability to use numbers and mathematical concepts to solve mathematical problems as well as your ability to analyze data presented in a variety of way such as in table or graph. So anyhow, quantitative reasoning, आपने बस ये देखना है कि मुख्तार वाले questions, mathematical वाले, ये English वाला था verbal ability, quantitative reasoning जो है वो mathematical वाला है। इसमें आपको किस किस्म के questions आएंगे, इसमें आपको टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम एजेस वाले, एवरेज वाले, परसेंटेज वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, एरिया फाइंड करना होगा, और एज वेल SCF LCM वाले आ जाएंगे, ठीक है जी। तो एग्जांपल दे देता हूँ इसकी भी मैं, जैसा कि आप कह लें कि अगर आपने एक शर्ट 2500 के लिए है तो आपको 30% डिस्काउंट पर वो कितने की हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट योर क्वान्टिटेटिव रीजनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द थर्ड पोर्शन विच इज़ एनालिटिकल रीजनिंग। सो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। Analytical reasoning की definition, analytical reasoning is a person's ability to identify patterns within a group of facts or rules and use those patterns to determine outcomes that could be or must be true. So अब इसका भी मैं आपको बताता हूँ, इसका ताल्लुक academic से नहीं है, इसका ताल्लुक, ये English shape में भी आ सकते हैं और mathematical form में भी आ सकते हैं। Mathematical form में ये IQ वाले questions हैं, analytical, इसमें आपने analysis करना होता है किस किस्म का, जैसा कि आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, आगे क्या आएगा 10, ये कोई मैथ का कोई ला तो नहीं है, लेकिन आपने अपना माइंड यूज़ करते हुए ये अंदाज़ा लगाना है कि पीछे वाले जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे अगला स्टेप क्या बनता है। सो अब ये इंग्लिश फॉर्म में कैसा आ सकता है, इसमें एनालॉजीज दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फुट इज़ टू व्हाट, तो यू कैन से कि फुट इज़ टू शू। आपने एनालॉजीज कर दिया ना कि सर अगर कैप पहनता है तो पाऊँ शू, दैट्स इट। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लास्ट विच इज़ फिजिक्स एंड मैथ। अनफॉर्चुनेटली ये भी आपके पेपर में आएंगे, बट यू डोंट नीड टू बी वरी। अगर आप इंटेलिजेंस के ये तीन पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू पास दिस टेस्ट इजीली। चल फिज़िक्स एंड मैथ भी फोकस करते हैं। फिज़िक्स और जो मैथ है, इसमें आपको बेसिक्स भी देखने को मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से, और इसमें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी टच मिलेगा। इट्स डिपेंड अपॉन योर लक, आपकी लक कैसी है, लेकिन अगर आपकी बुरी लक होगी तो आपको दोनों
देखने पड़ेंगे, बेसिक आपको आएंगे ज़रूर। सो फिज़िक्स और मैथ जो है वो आपको FSC और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ही बुक्स में से आ जाएगी, ठीक है जी। लेकिन फाइल में इसका रिपीटेड MCQs ऐड हैं, जिससे आप मतलब तैयारी आपके मुख्तसर वक्त में अच्छी हो सकती है और इंशाल्लाह यू विल बी एबल। सो इन दी एंड टाइम 120 मिनट्स होते हैं, 100 MCQs होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस दैट हाउ कैन यू गेट दिस फाइल। आई एम गोना गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 03413860199। आई एम गोना रिपीट 03413860199। दैट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट दिस फाइल। और इन द वेरी लास्ट दैट फाइल द फाइल इज़ ऑफ 250 रुपीज़। आपको पता है कि मेहनत लगती है डाटा कलेक्शन में, दैट्स वाई हमने उसकी 250 रुपीज़ रखी हुई है। सो द 250 इज़ ऑल्सो जस्ट फॉर्मेलिटी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट एंड यू डोंट नीड टू बी वरी। अपना ख्याल रखें, तैयारी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।